नैनोमीटर ट्रांजिस्टर से इंतहाई मजबूत और ताकतवर माइक्रो प्रोसेसर्स और 50 टेराबाइट यूएसबी ड्राइव्स बहुत जल्द आम दस्तयाब होंगी। जी हाँ दोस्तों, आज ये वीडियो देखते रहिए क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे छोटे ट्रांजिस्टर्स के बारे में ही बताने वाला हूँ जो अमरीकी इंजीनियरों ने तैयार कर लिया है, जिसका साइज 1 नैनोमीटर मतलब 1 मीटर के 1/1000वें हिस्से जितना है और इसी की मदद से बहुत जल्द ताकतवर माइक्रो प्रोसेसर्स और 50 टेराबाइट की यूएसबीज बनाई जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो एडीयू। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये कारनामा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले, लांस बर्कले नेशनल लेबोरेटरी, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास डलास और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने मुश्तरका तौर पर अंजाम दिया है। अब दोस्तों, अगर मैं नैनोमीटर की बात करूं तो आप समझ लीजिए कि एक इंसानी बाल की मोटाई 80,000 से 1,00,000 नैनोमीटर तक होती है। अब वैसे तो 1 मीटर में 1,00,000 नैनोमीटर हैं, तो दोस्तों एक इंसानी बाल जितनी मोटाई में 1,00,000 तक ट्रांजिस्टर्स लगाए जा सकते हैं और इन ट्रांजिस्टर्स को कार्बन नैनो ट्यूब्स इस्तेमाल करके तैयार किया गया है जिसकी चौड़ाई 1 नैनोमीटर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साइंसदानों ने इस ट्रांजिस्टर को सिलिकॉन की बजाय मॉलिब्डेनम डाइसल्फाइड से बनाया है। इससे पहले दुनिया के सबसे छोटे ट्रांजिस्टर्स का साइज 3 नैनोमीटर था, जिसको साइंसदानों ने 2006 में तैयार किया था। अब दोस्तों, 1 नैनोमीटर वाले ट्रांजिस्टर की इजाद का एक मतलब ये भी है कि आने वाले सालों में ना सिर्फ कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर्स आज से कई गुना ज्यादा ताकतवर बनाए जा सकेंगे, बल्कि हार्ड डिस्क का जो मौजूदा साइज है इसी जिसामत में 50 टेराबाइट तक हार्ड डिस्क और यूएसबी ड्राइव्स भी आम मार्केट में दस्तयाब होंगे। लेकिन दोस्तों, एक बात यह भी है कि 1 नैनोमीटर ट्रांजिस्टर वाली ये टेक्नोलॉजी अभी इब्तदाई मरहले में है। इस टेक्नोलॉजी को तजारती मराहल तक पहुंचाने के लिए तकरीबन 20 साल या इससे ज्यादा भी लग सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बहुत एडवांस सर्च और इजाद है। 50 टेराबाइट तक हार्ड ड्राइव और यूएसबी ड्राइव आपको आने वाले वक्त में मार्केट्स में नजर आ जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको 1 नैनोमीटर ट्रांजिस्टर्स के बारे में पता चल गया होगा और ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अगर आपका कोई भी सवाल हो या राय हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने टेक इन्फो एडीयू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ टेक इन्फो एडीयू को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए डेली यहाँ पर इसी तरह की टेक वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।